अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम परवेज़ है और ये बिज़नेस हमने 2017 में शुरू किया जब मेरे वालिद साहब रिटायर्ड हुए जहाँ पुलिस से। इन मशीनों के ज़रिए ये प्री फॉर्म बना रहे हैं। ये 30 स्नैक का है और इससे लीटर और 1.5 लीटर की जो है वो बोतल बनती है। और ये छोटा प्री फॉर्म है, ये 14.5 ग्राम का है, इसकी भी 30 स्नैक है और इससे छोटी बोतल जो है 0.5 लीटर की वो बनती है। ये रॉ मटेरियल हम बाहर से लेते हैं, रिक्रटर वाले हैं, रिक्रैश बोतल की जो रिक्रैशिंग होती है उससे मटेरियल लेते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आता है, हम इसको साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद इसको हम ऊपर में डालते हैं। उसके बाद ये हमारा प्री फॉर्म है जिसकी दोबारा बोतल बनती है, ये हम इसको बनाते हैं। मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप इसको ज़रूर इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। एक अच्छा बिज़नेस है, प्रोडक्टिव बिज़नेस है और ये चूंकि प्रोडक्शन लाइन के साथ अटैच है और मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है वो प्रोडक्शन के साथ जो है उसका काफ़ी गहरा रिश्ता होता है। इसलिए मेरा ये मशवरा है, ये हमारे मुल्क के लिए भी और आप लोगों के लिए भी एक बेहतर ऑप्शन है। इसका ये जो कलर वगैरह का इशू है ना, जो भी आपको कलर चाहिए, इसमें पानी का भी आता है, इसमें जूस भी आता है, इसमें मेडिसिन भी आती है, काफ़ी आइटम आती है। आप इसमें ग्रामेज भी आती है, इसमें ग्रामेज भी आती है, तो आपको कौन से ग्राम का चाहिए, जैसे आपको बोतल, ग्रामेज, पानी, जो भी चाहिए वो आपको हर चीज़ मिल जाएगी इसे। और इसे तकरीबन एक पीस से ये जो है ना 1000 ml से लेके 1500 ml तक इसकी बोतल बन सकती है। इसी में छोटी चीज़ें भी आइटम भी आती है और इसी में बड़ी आइटम भी आती है। उसके बाद जब ये हमारे पास रॉ मटेरियल आता है ना, हम इसको उतारते हैं अपने पास, उसके बाद इसको हम साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद हम इसको मिक्स करते हैं मिक्सचर में। हमने मिक्सचर लगा हुआ है, लोगों ने मिक्सचर नहीं रखा हुआ, जिन लोगों ने मिक्सचर रखा उनकी क्वालिटी अच्छी बनती है। तो मिक्सचर में मिक्स करने के बाद हम इसको हॉपर में डालते हैं। उसके बाद इसको 3 घंटे टाइम है। टाइम के बाद जब ये मशीन चल रही होती है, ऑटोमेटिक चलती है मशीन, माल लड़का साथ साथ डालता है, वो साथ साथ ये प्री फॉर्म बन के नीचे गिरता रहता। इसमें जो है ना 2 लोग चाहिए एक टाइम में 2 लोग चाहिए, जो एक मशीन पे बैठता है उसको चेक करता है और दूसरा से पीछे से रॉ मटेरियल वगैरह सारा सेट करके होपर में डालता है। एक बंदे ने मशीन पे बैठ के उसको चेक करना है, पीस जो ख़राब नहीं जाना चाहिए आगे, उसकी ये ड्यूटी है। इसमें एक टाइम में एक मशीन पे 2 बंदे चाहिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इस एक मशीन पे इलेक्ट्रिक जो है ना 50 का मैक्सिमम, कम से कम 50 का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। पर केजी के हिसाब से आता है मटेरियल भी, पर केजी के हिसाब से आता है और आगे तैयार होने के बाद भी पर केजी के हिसाब से जाता है। ये आजकल मटेरियल का जो रेट चल रहा है ना वो 225 रुपये है इस टाइम। उसके बाद इस पर थोड़ी मेहनत होती है और उसके बाद बिजली वगैरह सारा जो इसका बिजली, लेबर, रेंट का जो खर्चा है ना वो तकरीबन जो है ना लग जाते हैं इस पर तकरीबन 80 से 90 रुपये। ठीक है, ये बन जाते हैं हमारे, ये आजकल जो इसकी 315 और ये आजकल जो प्री फॉर्म जा रहा है ना जिस रेट पे ये जाता है, ये पर केजी के हिसाब से जाता है। जो उनका ग्रामी जो जैसा पीस हो वैसे ये पर केजी के हिसाब से जाता है। ये 25 ग्राम का पीस है मेरे हाथ में, तो ये 40 पीस होते हैं पर केजी में। तो इसका जो है ना 340 से लेके 350 तक इसका रेट है आजकल। पर के जी कितनी बचत होगी अगर हमें 300 तकरीबन 15 से 20 का, हम ज़्यादा एहतियात के साथ 320 कह लें। हाँ जी, 30 रुपीज़ पर के जी हमें मार्जिन है 30 से 20 भी आ जाता है। आजकल लाइट की वजह से जो है ना, लाइट का इशू है इतना कि पता नहीं चलता इस टाइम बिल कितना आना और अगला बिल कितना है, जिसकी वजह से हम इस पर ना 20 और 30 के राउंड बाउंड के अंदर रखते हैं कि जो इसका बचत है ना इसकी इतनी होनी चाहिए सिस्टम, और होती है। ये आप सेल कैसे करते हैं? सेल ये पार्टियाँ आती हैं बाहर से, ठीक है, ब्लो मशीनें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं पाकिस्तान में। ब्लो मशीनों की वजह से ये हमारे पास ये आती हैं, लोग आते हैं, वो पूछते हैं क्वालिटी अच्छी है, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है उनके पास खुद ब खुद आदमी आते हैं, उनको पता होता है कि भाई फलां बंदे के पास क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारी वेस्ट नहीं है। हमारा जो है ना अगर टन माल जाएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरे टन में से 40,000 पीस बनता है 25 ग्राम का, उसमें से मैक्सिमम 100 से ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, वो एक मनफी एक पॉइंट से भी कम आ जाती है उसकी वेस्ट। इसलिए जो जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसके पास खुद बहुत जो है ना कस्टमर भी आएगा और उसका सारा सिस्टम जो है ना अच्छा चलेगा। अगर आजकल कोई इसको स्टार्ट करना चाहिए ना तो उसको कम से कम उसके पास तकरीबन जो है ना 1.5 करोड़ रुपया होना ज़रूरी है, जिसके अंदर उसकी एक मोल्ड, एक मशीन और एक सेटअप और उसके बाद रॉ मटेरियल और सारा कुछ कर जाए, उसका कम मैक्सिमम 1.40 करोड़ और 50 लाख राउंड बाउंड हो तो फिर उसका काम चल सकता है और अच्छी तरह चलता है। ये 24 घंटे में 800 kg प्री फॉर्म बनाती है, ठीक है। तो ये आप आजकल पाकिस्तान की लाइट है, आप देख लें महीने में पूरे में 15 से 16 टन, 18 टन, 20 टन माल भी बन जाता है। आप यही हिसाब लगा लें
20 रुपए भी आप उसमें मार्जिन रख लें तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा 2.5 से 3 लाख, 2-3 लाख, 3.5-2.5 लाख की मार्जिन है। अगर आप लोग ये स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के रेफरेंस के ज़रिए हमारे पास आएंगे तो हम आपको इसके लिए कुछ स्पेशल पैकेज जो है वो भी देंगे, आपको सस्ती दे देंगे। अगर कोई बंदा मशीन लेना चाहता है तो हम उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये चाइना से मशीनें आती हैं, हमारे दोस्त हैं लाहौर में बैठे हुए हैं, उनसे बोलेंगे कि वो उनको मशीन मंगवा देंगे, मोल्ड भी मंगवा देंगे, उनकी पूरी हेल्प करेंगे, उनका पूरा सेटअप ऑन करके चला कर उनको पूरा हर चीज़ बताएंगे, या मटेरियल कहाँ से मिलता है सारा कुछ उसको ऑन करके सारा सिस्टम उसके हवाले करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो है 0300-4670145। ये कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर भी शेयर कर रहे हैं, हम आप स्क्रीन से देख लें, नोट करें, हमारे साथ रابطہ करें और हम हर लिहाज से हाज़र हैं। अगर आप इस चैनल का हमें रेफरेंस देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को स्पेशल पैकेज मिलेगा।